हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज की वीडियो मैं फिर से शाम से ही शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर से मेरी तबीयत जो है वो ख़राब सी हो गई थी, दो दिन तक रही, आज ठीक है। तो आज इसी का फ़ायदा उठाते हुए जा रही हूँ बाज़ार, और मुझे क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग करनी है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। प्रॉब्लम पता है एक और है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो मेरा अंगूठा है ना, ये ना साइड से पक रहा है। मुझे ना आदत है शूज़ पहन के बाहर जाने की, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा काम चलने का ही होता है पूरा, ठीक है ना। ऑटो से निकल जाओ फिर चलो ही चलो पूरा, तो मेरे ना पैरों में दर्द हो जाता है। तो शूज़ में कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं, बट इस अंगूठे की वजह से ना मैं पहन नहीं पा रही हूँ। वही कारण है कि मैं घूमने भी नहीं जा पा रही हूँ, वॉक पर नहीं जा पा रही हूँ। सो मुझे अभी घर की चप्पल ही पहन के जानी पड़ेगी। तो क्योंकि एक दो दिन बाद ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, और वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मंडे को जन्माष्टमी है। तो मैंने सोचा मैं अभी चली जाती हूँ और मैं ले आती हूँ। सो गाइस, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे मार्केट में, ठीक है। बाल जो है मेरे रेड लग रहे हैं क्योंकि मेहंदी लगाई थी, सो इग्नोर माय हेयर। नहीं, दूसरा नाइट सूट वीडियो के लिए ठीक है, ये ठीक है, ठीक लग रही है ना। चल हाय हेलो बोल। हेलो गाइस, मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, मैं मार्केट से आ गई हूँ और चाय बन रही है, चाय पी लो। और मैं सब्जी काट रही थी आते ही ना, क्योंकि फिर डिनर के लिए ना बहुत देर हो जाती है, तो मैं शॉपिंग करके आ गई और वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो पता है आज मैं सब्जी क्या बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। आज ना ये बन रहा है सीताफल, और आज आप देखो किस किस के मुंह बनते हैं इसको खाने में। सो मैं इसको ना उबाल रही हूँ। तो सीताफल ना मैंने उबालने रख दिया, मैं ना उबाल के बनाती हूँ हमेशा, जल्दी बन जाता है और मुझे वैसा ही आता है और वैसा ही पसंद भी है। सो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया, और इसमें डालूंगी मैं मेथी के दाने, और इधर टमाटर कट कर लिए मैंने, और अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर, धनिया, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक। सीताफल को उबाल के ना मुझे बड़ा इजी प्रोसेस लगता है सीताफल बनाना, क्योंकि मैंने ना कभी उसको वैसे नहीं बनाया, सिर्फ काट के, और मैं उसको वैसे ही बना रही हूँ। मैं हमेशा उसको उबाल के ही बनाती हूँ। So guys, ये सब्जी ऐसे बनाती हूँ मैं। और अब इसमें मैं डालूंगी एक और चीज, जो कि है 2 से 3 चम्मच चीनी डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि मेरे घर में सबको खट्टा मीठा ही कद्दू पसंद है। अब इसको से 6 मिनट में इसको पकाऊंगी, देन उसके बाद बंद। मेरा किचन का काम ख़त्म। देखो कुकर में ना मैंने आलू फ्राई किए हैं, वो क्यों किया अभी बताऊंगी। इसमें मेरे लिए खिचड़ी बन रही है, इसमें है कद्दू की सब्जी, आटा मैंने लगा के रख दिया, बर्तन मैंने धो दिए, टमाटर धो दिए। अब मैं जा रही हूँ अंदर। A few moments later. गाइस, मैंने जो आलू फ्राई किए थे ना वो ये हैं, तो मैंने ये किस लिए किए ये देखिए। सुबह जो है इन लोगों के नाश्ते के लिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर प्रियंका के। आज पनीर का परांठा दिया था, कल आलू का दूंगी, इसलिए मेरे को ना उबालना ये करना थोड़ा सा वो लग रहा था। तो मैंने ना इसको देखिए हो गया ना सही, कितनी इंटेलिजेंट हो गई हूँ मैं। पूरा काम मेरा हो गया जो जो मुझे करने थे आज, और आज बड़ी थकान हो गई। मार्केट गई थी ना तो बड़ी भीड़ थी आज मार्केट में, जहाँ से मैंने शॉपिंग की ना, एक ही शॉप से करती हूँ भगवान जी की शॉपिंग मैं हमेशा, लक्ष्मी नगर से। तो वहाँ पे ना बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, प्लीज़ फ़ोटो क्लिक्स ना करें। तो मैंने फिर इसलिए वहाँ ऐसा कुछ करना ज़रूरी नहीं समझा, कि बेकार में कोई टोके आपको, उससे पहले आप कुछ करो ही मत। सो मैंने नहीं किया। तो मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, और आज मैं बहुत खुश हूँ।
कि मेरे लड्डू गोपाल जी की इतनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ मैं बहुत खुश हूँ आज। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ जब मैं उनके लिए कुछ लेकर आती हूँ ना कि मेरे को कहीं तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हाँ अभी रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी थकान हो गई है क्योंकि आते ही ना फिर डिनर वगैरह में लग गई। और अपने लिए खिचड़ी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे पेट में ना अजीब सा दर्द हो रहा है दो दिन से, कि जैसे मैं मिर्ची वाली कोई भी चीज़ खा रही हूँ ना तो जहाँ से गॉल ब्लैडर निकला था ना वहाँ पे जाके वो टक कर रही है, लग रही है वो। तो मैंने डॉक्टर को अभी फ़ोन नहीं किया अभी मेरे को चेकअप कराने, एक दो दिन में मेरे चेकअप होंगे। मैं सोच रही हूँ कि त्योहारों के बाद कराऊँ क्योंकि थोड़ा सा ना फिर मेरा ध्यान ना हॉस्पिटल में ही घूमता है कि डॉक्टर क्या कहेंगे, क्या होगा, ये वो, डर जाती हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जन्माष्टमी के बाद कराऊँ, लेकिन अभी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ती जा रही है। सो मैंने सोचा कि मैं ना खाने में थोड़ी चीज़ें ना नॉर्मल खाती हूँ, हालांकि अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया, नॉर्मल ही खाया है, बट हाँ अभी मैं अपने लिए खिचड़ी बना कर आई हूँ तो मैं अभी खिचड़ी खाऊँगी फिर बस। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कल की वीडियो का वेट करिएगा, मैं कल आपको पूरी शॉपिंग दिखाऊंगी। कल मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैं उनके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। और बस अब शुरुआत करते हैं जन्माष्टमी की तैयारी की, मंदिर की साफ सफाई, रोगन पुताई सब होगी अब। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ बनाए रखिए।